वी आर लाइव। नमस्कार आप सभी का। मैं नेहा कंचन मंत्रा फॉर चेंज की टीम के तरफ से और शिक्षा विभाग के तरफ से आप सभी का आज के YouTube लाइव में स्वागत करती और आशा करती हूँ कि आप लोग जितने लोग भी जुड़े हैं और जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उन तक ये मैसेज जल्द से जल्द पहुंचाए ताकि हम समय के साथ शुरू तो कर दिए हैं और समय के साथ अंत भी कर पाए और जो भी हमारे आज का एजेंडा है हम उसको पूरा कर पाए। तो बस एक जल्द से जल्द मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपने जितने भी आपके साथ में काम कर रहे लोग हैं उन तक ये मैसेज पहुंचा करके उनसे आग्रह कीजिए कि जल्द से जल्द जुड़े। इस लिंक दिया गया है और उस लिंक के द्वारा आप सभी जल्दी से जल्द जुड़ जाए। तो एक मिनट का समय, एक दो मिनट का समय लेकर के अगर आप सब लोग एक दूसरे से बात कर लें, जो भी जिनको फोन के थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है या फिर मैसेज के थ्रू, तो आप लोग कनेक्ट करके उन सबसे आग्रह कीजिए कि जल्दी कनेक्ट हो जाए। और अभी तक जितने लोग भी आ चुके हैं उन सबका मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ पूरे शिक्षा विभाग की तरफ से, मंत्रा फॉर चेंज की टीम की तरफ से, कि आप लोग ससमय जुड़े हैं और हमें बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि इस बहुत मुश्किल समय में भी आप लोगों ने समय निकाला है ताकि उन बच्चों तक हम पहुंच पाए, उन बच्चों के लिए हम कुछ कर पाए जिन तक अभी तक बहुत सारी परेशानियां हैं। हर कोई अपने अपने घर में आप लोग बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे होंगे, मगर आप लोगों ने आज की YouTube लाइव में समय से ससमय जुड़ने के लिए यहाँ पे आए हैं और समझने के लिए कि हम आगे क्या करने वाले हैं, क्या रणनीति होने वाली है। तो मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ और तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ कि आप लोग ससमय जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक दो मिनट का समय लेकर के अगर हम सभी कनेक्ट हो जाते हैं तो एक दो मिनट हम लोग लेते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हमारे बीच में स्पीकर्स आ चुके हैं और हम समय का ध्यान देते हुए अगर जितने जल्दी ज्यादा कनेक्ट हो जाएंगे हमारे बीच रिस्पेक्टेड रंजीत सर यहाँ पे हैं डायरेक्टर और SCERT की तरफ से दीक्षा की टीम है जिनको हेड कर रही हैं अर्चना मैम, वो भी हमारे के तौर पर जुड़ चुकी हैं और उसके साथ ही साथ दीक्षा टीम को जो अभी SCERT से अभिषेक जी एज एक्सपर्ट वो भी जुड़े हैं और मंत्रा फॉर चेंज की टीम की तरफ से भी लोग जुड़ चुके हैं। बस आग्रह यही है कि जल्द से जल्द आप लोग भी जुड़ जाएं। जितने लोग नहीं जुड़ पाए हैं किसी भी कारणवश, तो अगर वो जल्दी जल्द से जल्द जुड़ जाएंगे तो हम लोग आज लाइव अपने एजेंडा के साथ शुरू। तो अभी 1:06 है तो अगर एक मिनट के बाद एक साथ से हम अपने
YouTube लाइव को शुरू, बस यही आग्रह है कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए। इसमें हम लोगों का सहयोग कीजिए, लोगों तक ये मैसेज पहुंचा दीजिए। तो हमारे साथ ही आगे भी जुड़ते रहेंगे आशा के साथ। आज का YouTube लाइव हम शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आभार प्रकट करूंगी डॉक्टर रंजीत सर का, जिनके सानिध्य में, जिनके मार्गदर्शन में ये आज YouTube लाइव है। और सर आपसे एक परमिशन भी चाहते हैं कि क्या हम अभी शुरू करें या फिर और चंद कर लें पार्टिसिपेंट्स को लेकर के। तो अगर आपके तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो YouTube लाइव फॉर टुडे। ओके ठीक है। तो एक बार फिर से आप सभी का, जिन्होंने इस मुश्किल दौर में, इस मुश्किल समय में अपना समय निकाला और इसी उद्देश्य के साथ और इसी सोच के साथ कि आज हम लोग साथ में मिलकर के कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे और साथ में कुछ मिलकर करने का प्रयास करें। तो मैं नेहा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ टीम की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से, और इसी आशा के साथ कि आप लोग सभी अंत तक बने रहें। और आज आप सभी को पता होगा, वो मैसेज आप तक पहुंच चुका होगा कि आज हम लोग इस YouTube लाइव के लिए क्यों जुड़े हैं। तो इसके डिटेल में जाने से पहले एक बार फिर से मैं इस चीज पे जोर देना चाहूंगी कि अभी जो समय चल रहा है, हम अलग अलग प्रयास, शिक्षा विभाग अलग अलग प्रयास करिए कि क्या क्या हम ऐसे तरीके अपनाए जहाँ बच्चों तक पहुंचा जा सके, हमारे टीचर्स तक उनको सपोर्ट पहुंचाया जा सके। तो इसके ही दौरान ई लर्निंग पे चर्चा का विषय हम लोगों ने आज रखा है YouTube लाइव का, कि ई लर्निंग कैसे हो सकता है, कैसे हम इसको सुनिश्चित कर सकते हैं, इसको इंश्योर करने के लिए हम कैसे सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि जितने भी अभी तक, जो भी अभी आने वाले दिन में और भी यूट्यूब लाइव होने वाला है, तो आप सभी को पता होगा कि ये जो YouTube लाइव है ये रिकॉर्डेड भी है और हम लोग जब भी लाइव जाएंगे और आगे भी आने वाले दिनों में जब भी जो भी वीडियोस बनते हैं, आप तक कैसे पहुंचेगा, जितने जल्दी पहुंचेगा और जिस तरह से आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा, इसके लिए आप जो अभी लिंक है आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं और आपको लिंक भी ये शेयर कर दिया जाएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि किस तरह से आप जो भी वीडियोस रंजीत सर के द्वारा बनाए दिया जा रहा है वो आप तक ससमय पहुंचे और जल्द से जल्द पहुंचे ताकि आप भी उसका लाभ उठा। तो जस्ट एक मिनट का समय मैं लूंगी।
तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो बेल आइकन दिया है, आप इस लिंक के जरिए रंजीत सर द्वारा जितने भी वीडियोस बनाए जा रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ये बेल आइकन को प्रेस करके आप इनके सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस YouTube लाइव के बाद सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और आगे आने वाले दिनों में जितने भी वीडियोस बनेंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे प्रॉपर नोटिफिकेशन के साथ। तो आगे की ओर बढ़ते हैं हम, और समझते हैं कि हम आज किस बिंदु पे बात करना चाहते हैं और क्या क्या चीजें हैं जो आज हमारे YouTube लाइव में हम फोकस करने वाले हैं। तो कुछ मुख्य बिंदु पे हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि समय भी हमारा 1 घंटे का है, और इस 1 घंटे के समय को हम कैसे अच्छे तरीके से सारी चीजों को कवर कर पाए। तो सबसे पहला जो हमारा मुख्य बिंदु है, जिसका जो हम लोगों ने उद्देश्य रखा है, वो है कि शिक्षा विभाग द्वारा कोरोना काल में की जा रही कार्यों की समीक्षा। तो अभी ये मुश्किल दौर में, इस कोरोना काल में बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत सारे प्रयास आप लोग कर रहे हैं और सब लोग मिलकर कर रहे हैं, और शिक्षा विभाग द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और क्या क्या चीजें अभी होने जा रही है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये एक मुख्य विषय है आज हमारा। दूसरा जो हमारा मुख्य विषय है उस पर हम लोग बात करेंगे कि सत्र 21-22 में प्राइमरी शिक्षा विभाग द्वारा आगामी प्रयासों की व्यवस्था पर चर्चा भी हम लोग करेंगे। तो इसमें उन सब चीजों पे हम बात करेंगे कि किस तरह से अभी तक जो भी प्रयास किए गए हैं बच्चों तक हम जैसे भी पहुंच पा रहे हैं इस मुश्किल घड़ी में, और हम क्या क्या प्रयास को कर सकते हैं, और उसके लिए हमारी शिक्षा विभाग क्या क्या व्यवस्था कर रही है, किन किन चीजों पे आपका साथ चाहिए ताकि हम लोग बच्चों तक पहुंच पाए, इस पे हम चर्चा करेंगे। तीसरा जो हम लोगों ने आज का मुख्य बिंदु रखा है वो है दीक्षा ऐप। आशा करते हैं कि आप जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं आप सभी ने दीक्षा ऐप के बारे में जरूर सुना होगा। तो उस दीक्षा ऐप को हम किस तरह से, कैसे हम उस पर रजिस्ट्रेशन करें, किस तरह से हम प्रोफाइल अपडेट करें, और इस सिर्फ प्रोफाइल अपडेट ना करके इस दीक्षा ऐप का हम भरपूर उपयोग कैसे कर सकते हैं अपने सीखने के लिए, जितने भी यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, टीचर्स दीक्षा ऐप के थ्रू लर्निंग रिसोर्सेज के थ्रू कैसे सीख सकते हैं, हमारे प्रिंसिपल्स कैसे सीख सकते हैं, ब्लॉक ऑफिसर्स कैसे सीख सकते हैं, और ये दीक्षा ऐप कैसे इस चीज को सिखाने में, एक उसमें क्रिएट करने में कैसे सहयोग करेगा, इसको लेकर के भी हम चर्चा करने वाले हैं। और आग्रह करना चाहेंगे कि जिनको भी दीक्षा ऐप के बारे में थोड़ी भी जानकारी है तो वो जानकारी आपको बहुत ही अभी लाभ मिलने वाला है, और मुझे आशा है कि आप सभी लोग दीक्षा ऐप का नाम तो जरूर सुने होंगे। तो आगे जो है चौथा जो हमारा एजेंडा है आज का मुख्य, वो है एक्सपर्ट टॉक। तो आप सभी को पता है कि ये आज का यूट्यूब लाइव डॉक्टर रंजीत सर प्राइमरी डायरेक्टर के सानिध्य में, मतलब के मार्गदर्शन से ही हम लोगों ने प्लान किया है। उनका ही ये सोच था कि किस तरह से हम अपने शिक्षण प्रशिक्षण में, सीखने सिखाने के क्रम में कैसे ई लर्निंग की भूमिका होने वाली है, क्योंकि अभी जो समय है उस समय में हर एक प्रयास, हम कोशिश तो कर रहे हैं मगर अब हम कैसे, कोशिश रुके नहीं, हमारा प्रयास रुके नहीं, और हम बच्चे तक पहुंच पाए, बच्चों को सिखा पाए, खुद भी सीख पाए, इसके लिए हमारे तरफ से रंजीत सर आज एक्सपर्ट के तौर पे यहाँ पे जुड़े हैं, और अपने सोच को, उनके पर्सपेक्टिव को, उनके विचार को और उनके इम्पोर्टेंस के ऊपर वो बात करेंगे कि कैसे ई लर्निंग को हम सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये कुछ बिंदु है आज के एजेंडा है आज के यूट्यूब लाइव का। तो आशा करते हैं कि आप लोग अंत तक बने रहेंगे, और इसी आशा के साथ हम आगे शुरू करते हैं हमारा कि क्या क्या अभी शिक्षा विभाग के द्वारा कोरोना काल में क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, बस एक आग्रह है कि जिन्होंने भी वीडियो ऑन रखा है, जब एक्सपर्ट हमारे यहाँ पे शेयर कर रहे होंगे तो अगर आप वीडियो ऑफ कर लेंगे, सब लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा सो दैट डिस्टर्बेंस ना हो, बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट था। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि अभी ये लास्ट ईयर से ही हमारे अभी जितने भी कोरोना काल में जो सिचुएशन हुआ है, बच्चों तक स्कूल में तो हम नहीं मिल पा रहे हैं, बच्चों से वो सीख नहीं पा रहे हैं, स्कूल तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, मगर फिर भी इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भी और इन सारी परिस्थितियों को समझते हुए जिस तरह का प्रयास शिक्षा विभाग ने किया है, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय एक कार्यक्रम चला करके डीडी बिहार पे जो आता है, आप बहुत लोग, आप सभी लोग, मुझे लगता है कि आप सभी लोग अवगत होंगे कि डीडी बिहार पर कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं, और बच्चे काफी उत्साहित भी हैं। और आप सभी से आग्रह है कि जिनको इस बारे में नहीं पता है
वो अपने ये इन्फॉर्मेशन को जाने और इस इन्फॉर्मेशन को बच्चों से कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस समय पे उनके लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, जो भी व्यवस्था की जा रही है, बच्चों के सिखाने के लिए जो भी कोर्सेस बने हैं, वो क्या क्या सीख सकते हैं, उस पर वो ध्यान दें। तो 10 मई से ही 9वीं और 12वीं की जो क्लास है वो शुरू हो चुकी है और हम आशा करते हैं कि आप सभी मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय प्रोग्राम के बारे में अवगत होंगे और आशा यही है कि आगे भी इस प्रोग्राम की इम्पोर्टेंस को समझते हुए कि बच्चे घर में रह करते, क्योंकि आपको पता है कि अभी जिस भी हमारे बिहार में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं हर जगह पे फोन अवेलेबल नहीं है, हर कोई स्मार्टफोन नहीं यूज कर रहा है, मगर फिर भी बिहार डीडी दूरदर्शन के माध्यम से बच्चे जुड़ सकते हैं, जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं। तो हर एक प्रयास में एक ये भी प्रयास है कि डीडी बिहार पे ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और ये कार्यक्रम तब ही हम अंत तक लेकर के जा सकते हैं, इसका उपयोग जब भी ले सकते हैं जब हम ज्यादा से ज्यादा लोग ये इन्फॉर्मेशन को लें। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, ये एक बहुत अच्छा प्रयास है इसी आशा के साथ कि आगे इस प्रोग्राम तक बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़े। आप सभी से आग्रह है, जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स जुड़े हैं, ब्लॉक ऑफिसर्स जुड़े हैं, क्लस्टर ऑफिसर्स जुड़े हैं और प्रिंसिपल टीचर्स जुड़े हैं, आप इंश्योर करें कि ये बच्चे हमारे देखें, समय से वो देखें और वो सीखने का क्रम उनका कहीं पे भी ना। तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं। इसके साथ साथ एक दूसरी बहुत अच्छी पहल की गई है, अगर आप लोगों को पता हो तो ये एक हम लोगों ने ई लॉट्स नाम से एक ई लाइब्रेरी शुरू किया गया है, जो कि आप ई लॉट्स वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं, जहाँ पे हर टीचर से लेकर के बच्चों के लिए कंटेंट रेडी है और इस कंटेंट को आप देख सकते हैं, खुद के सीखने के क्रम में आप इसको देख सकते हैं और स्टूडेंट्स को भी कैसे हम सिखा सकते हैं इसके क्रम में आप देख सकते हैं। तो नीचे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, इस लिंक के जरिए और इस मोबाइल में अगर आप ऐप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो ई लॉट्स नाम से प्ले स्टोर पे ये ऐप मिल जाएगा, अवेलेबल है, वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर इसका लाभ उठा सकते हैं। तो बस एक यही रिक्वेस्ट होगा कि अभी चिंता करने की बात नहीं है, ये सारे जितने भी पीपीटी यहाँ पे शेयर किए जा रहे हैं आप सभी को, आप जितने भी हमारे जिला अधिकारी हैं, जितने भी ब्लॉक अधिकारी हैं, ये पीपीटी उन तक पहुंच जाएगा और ये सारे लिंक्स आपको दे दिए जाएंगे। जिन्होंने भी अभी इसको इंस्टॉल नहीं किया है वो कर सकते हैं और आगे इसका लाभ उठा सकते हैं, बच्चों के सिखाने में भी और खुद के सीखने में भी। तो ये दूसरा एक स्टूडेंट के लिए व्यवस्था की गई है। हम आगे की ओर बढ़ेंगे और इसी का एक मेजर कंपोनेंट ये है कि जो यहाँ पे जितने भी हमारे पुस्तक हैं बच्चों के, तो उसी के आधार पर वीडियोस भी बनाए गए हैं संदर्भ में, जो भी हमारे चैप्टर्स हैं वो वीडियो भी यहाँ पे ईलॉट्स की लाइब्रेरी में मिल सकता है आप लोगों को, जो कि ऐसा नहीं है कि किसी एक फॉर्म में किताबी फॉर्म में ही है, मगर उसके VLM जो कि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस भी हैं वो बच्चे उसके आधार पे सीख सकते हैं। और सिर्फ बच्चे नहीं, हितधारक जितने भी हमारे टीचर्स हैं कक्षा 1 से लेकर 12 तक, सारे कॉन्टेंट यहाँ पे उपलब्ध हैं। और इसके साथ ही साथ दीक्षा पोर्टल पे भी जो भी उपलब्ध सामग्री है इसकी लिंक भी इसमें यहाँ पे आपको मिल सकता है और पाठ्य पुस्तकों की पाठों के आधार पर, मतलब वो एकदम चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी जो कि आपको तैयार कर सकता है। बहुत लोग अभी ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दिए हैं, वो पहल जारी हो चुकी है और इसी पहल के दौरान कहीं ना कहीं ये सारे इनिशिएटिव जो राज्य के द्वारा चलाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा। तो ये कुछ चीजें थी जिसपे राज्य बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें अभी की जा रही हैं और ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप सभी लोगों का सहयोग है, आप लोग बच्चों के लिए सोच रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई रुक ना पाए, हमारे सीखने का क्रम टूट ना जाए, इसके लिए शिक्षा विभाग बहुत प्रयास कर रहा है। इसी के साथ साथ ये कुछ चीजों पे जो पहल की गई है, एक ये हमने फोकस किया। तो आगे ज्यादा समय ना लेते हुए हम आगे के क्रम में मैं इनवाइट करना चाहूंगी सौरभ को, सौरभ सिंह को, जो कि मंत्रा फॉर चेंज की इनके तरफ से एज अ मैनेजर काम कर रहे हैं, वो आएंगे और बताएंगे कि क्या क्या चीजें अभी आने वाले कुछ महीनों में शिक्षा विभाग का क्या फोकस रहने वाला है, किन चीजों पे चर्चा की जाने वाली है, किन चीजों पे हम काम करने वाले हैं और वो कैसे होने वाला है, वो पूरा रोड मैप के बारे में सौरभ बात करेंगे। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सौरभ को, सौरभ प्लीज आप आए और पूरे इन्फॉर्मेशन को साझा करें हमारे ऑडियंस के साथ। वेलकम टू यू सौरभ। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा इतने ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए। और इससे पहले कि मैं बात करूं कि प्राइमरी शिक्षा विभाग की क्या कार्य योजना है और हम आज के
इस सत्र में, इस 2021-22 में हमने क्या क्या कुछ चीजें प्लान कर रखी हैं। मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा, मैं नेहा की बात पे ही जोड़ना चाहूंगा कि हमारा कोरोना काल का समय कुछ ऐसा है कि कोई एक जरिया या कोई एक अप्रोच काम नहीं करेगा हमें बच्चों तक पहुंचने के लिए। अभी मैं चैट बॉक्स भी देख रहा था, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे सुझाव भी लिख रहे हैं। मैं बहुत सहमत हूँ कि कोई एक तरीका से लेकर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम इंश्योर नहीं कर पाएंगे हमारे चाहे बच्चों की लर्निंग का गैप हो, या साथ ही साथ हमारे जितने हितधारक हैं, हमारे जितने शिक्षक हैं, हमारे जितने मास्टर ट्रेनर हैं, CRCC हैं, हमें अलग अलग तरीके, अलग अलग अप्रोच ईजाद करने पड़ेंगे और अलग अलग मार्ग अपनाने पड़ेंगे, एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेना पड़ेगा, तभी हम जाके जो इस संकट की वजह से आई हुई जो लर्निंग लॉस की आपदा है, एक आपदा तो हम मानवीय समाज पे आई है, दूसरी जो हमारे बच्चों की शिक्षा शिक्षण प्रशिक्षण में आई है, तभी हम जाके उभर पाएंगे। और इसी संदर्भ में जैसा कि आप स्लाइड पर देख पा रहे होंगे, बहुत क्लियर है कि हम किसी भी एक चीज पर फोकस करके आगे नहीं बढ़ सकते। हम ये नहीं कह सकते कि केवल ट्रेनिंग देने से काम हो जाएगा, केवल समुदाय के साथ जुड़ाव बेहतर करने से काम हो जाएगा, केवल कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने से काम हो जाएगा। हमें स्कूल को, विद्यालय को एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था के तौर पर देखना पड़ेगा। हमें इसे अलग अलग आयामों में देखना पड़ेगा। और बहुत जरूरी है, अगर इन सब की कोर की बात करूं तो हम सबको एक नेतृत्वकर्ता के रूप में बाहर आना पड़ेगा। एक तरीका है कि हम वेट करें कि सरकार क्या कर रही है, इतनी दिक्कतें हैं। दूसरी तरीका है, जो कि मैं खुद बिहार में देख रहा हूँ, बहुत सारे शिक्षकों से जुड़ा हुआ हूँ, कि अलग अलग अनूठे प्रयासों से, चाहे हमारे प्रधान अध्यापक हो, चाहे हमारे कुछ CRCC हो, अलग अलग तरीकों से इंश्योर कर रहे हैं कि ना केवल बच्चे सीखे बल्कि उनके क्लस्टर, उनके ब्लॉक, उनके जिले के हमारे शिक्षक और अभिभावक और जो हमारे हेड टीचर हैं वो भी सीख रहे हैं। तो विद्यालय नेतृत्व के कुछ 5 घटक है, हमें लगता है कि अगर हम इन सबको साथ में मिलकर देखें तो हम एक दिशा बना पाएंगे, एक प्रयास कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस संदर्भ में जबकि हम बात कर रहे हैं कि हमारे हमें एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की जरूरत पड़ेगी, इस संदर्भ में एक दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि क्या तरीके अपनाए जाएं, क्या कुछ ऐसे एफर्ट लिए जाए। तो विभाग में भी काफी मीटिंग और काफी डिस्कशन के बाद, अलग अलग ग्राउंड पर सारे स्टेक होल्डर से बात करने के बाद, हमें कुछ चीजें समझ में आया कि हमें कुछ नया क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हमें जो रोजमर्रा के जीवन में जो तरीके हमारे हमारे टीचर अपनाते हैं, जो तरीके हमारे प्रधानाध्यापक अपनाते हैं, हमारे CRCC अपनाते हैं, हमें उन्हीं तरीकों पर वापस जाने की जरूरत है। अगर मैं एक उदाहरण देके आप सभी से बताऊं तो अगर हम कोई चीज, कोई भी प्रक्रिया ले लीजिए, जैसे विद्यालय में अगर हमें लाइब्रेरी को प्रभावी बनाना है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं कि लाइब्रेरी के, लाइब्रेरी सेटअप करने के बेस्ट तरीके क्या है, हमारे बच्चों की जरूरतें क्या है, अलग अलग चीजें पहले हम समझते हैं। और उस संदर्भ में हम ये भी सीखने की कोशिश करते हैं कि बेहतर लाइब्रेरी कैसे सेटअप करी जा सकती है, क्या कुछ रणनीतियां हैं। साथ ही हम कुछ एक्सपर्ट से भी बात करते हैं, हम उनसे भी मोटिवेशन लेते हैं, अपने प्रिंसिपल, अपने टीचरों से बात करते हैं, बाकी टीचर दूसरे टीचरों से बात करते हैं, या CRCC से कनेक्ट करते हैं कि साथ में मिलके एक मोटिवेशन, एक प्रेरणादायी स्पेस जनरेट करते हैं कि भाई लाइब्रेरी कैसे बनाई जाए। उसके बाद जो भी कुछ सीखते हैं उसको लेके हम कुछ शुरुआत करते हैं, हम किताबें ऑर्डर करते हैं, हम टाइम टेबल बनाते हैं और हम क्लासेस शुरू करते हैं। और जब ये चीज शुरू हो जाती है तो हम आपस में फिर एक संवाद भी करते हैं कि अच्छा, लाइब्रेरी प्रभावी रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या और दिक्कतें हैं, क्या सारे बच्चों तक पहुंच बन रही, नहीं पहुंच रही है। अगर मैं कहूं कि ये जो रोजमर्रा के जीवन में सीखने का तरीका है, जो नजरिया है, जो कि कुछ नया नहीं है, इसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर इसी को हम प्रोग्राम के रूप में आपके सामने रखें तो मुझे बहुत हर्षोल्लास, बहुत खुशी हो रही है कि डॉक्टर रंजीत सर के मार्गदर्शन में, उनके उनके गाइडेंस में, हम ये हमारे प्राइमरी शिक्षा विभाग द्वारा एक प्रोग्राम आप सभी के सामने लाया जा रहा है, जिसपे दीक्षा कोर्स के माध्यम से आपको स्व अधिगम सामग्रियां उपलब्ध कराई जाएंगी, आपको कोर्सेस उपलब्ध कराए जाएंगे SCERT और प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, अलग अलग कॉन्सेप्ट जो आपकी रोजमर्रा के जीवन में समस्याओं पर आधारित होंगी। जैसे मैं अभी चैट देख पा रहा हूँ, कुछ लोग लिख रहे हैं कि सर बच्चों तक कैसे जुड़े कोरोना काल में, तो इन रणनीतियों पर भी बहुत सारे मटेरियल और कोर्सेज बनेंगे।
साथ ही साथ जैसे कि आज मैं देख पा रहा हूं करीबन 50,000 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे राज्य में 50,000 लोग आगे आ रहे हैं कि हम आएंगे और हम समझेंगे, साथ मिलकर कुछ कुछ ना कुछ करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। तो जैसे ये 50,000 लोग एक मंच पर आके जुड़े हैं, इसी तरीके का एक मंच हम हर माह आपके लिए क्रिएट करेंगे YouTube लाइव के माध्यम से। आपसे आपके सुझाव लेंगे कि किस विषयों पर ये चर्चा करी जाए। तरह तरह के एक्सपर्ट देश विदेश से हम आमंत्रित करेंगे और यहाँ पर एक परस्पर संवाद का माहौल भी तैयार करेंगे आप सभी के लिए। दूसरा, मेरा ऐसा खुद का मानना है और आप एज अ शिक्षक या एज अ स्टेक होल्डर भी, पिछले साइड पे ही जाइएगा प्लीज, एज ए स्टेक होल्डर भी आप इस बात से अग्री करेंगे कि कोई भी ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उस ज्ञान के साथ कोई एक्शन नहीं जुड़ा हो। हमने कोर्स कर लिया, हमने ट्रेनिंग ले ली, लेकिन क्या बहुत जरूरी है कि हम जो सीख रहे हैं सीखने के साथ ही साथ हम उसको अपने विद्यालय में, अपने क्लस्टर में, अपने ब्लॉक में लेके जाएं और उसको क्रियान्वित करें। जब हम क्रियान्वित करेंगे तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा लर्निंग वही होती है जब हम करके सीखते हैं। तो इस प्रोग्राम के तहत एक इस हिस्सा भी जोड़ा गया है कि आपको कोर्स तो दिए ही जाएंगे, कोर्स तो आपसे साझा किया ही जाएगा, YouTube लाइव के माध्यम से आप मोटिवेशन और एक्सपर्ट से रूबरू भी तो आप होंगे ही, साथ ही साथ आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी दिए जाएंगे जो जिसका उपयोग करके आप अपने विद्यालय को और प्रभावी बना सकते हैं, अपने जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसको और बेहतर कर सकते हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी लर्निंग या कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप किसी भी रिसर्च को उठा के देखें, देश विदेश के शिक्षा में जितने भी बदलाव हुए हैं या जितने भी मैं बोलूं जन आंदोलन जैसे मुहिम चली है, वो कभी तभी संभव हुआ है जब आपस में लोग आके परस्पर संवाद करें। तो मेरा निवेदन है कि आप प्रोग्राम का इंतजार ना करें, अगर हमारे पास एक CRCC है अपने क्लस्टर के प्रधानाध्यापकों के साथ छोटी सी बैठक रखें, एक कोई समस्या उठा ले जो आपके क्लस्टर की हो उस पर चर्चा करें। मुझे लगता है कि समस्या का समाधान करने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की, बहुत विशेषज्ञों से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, हालांकि उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसमें, बट अगर हम आपस में बैठ के एक परस्पर संवाद करें, हमने कुछ सीखा, हमने कुछ लोगों को सुना, फिर हमने कुछ प्रोजेक्ट किया और उस प्रोजेक्ट पे अपने अनुभव भी साझा किए कि क्या हमें दिक्कतें आई, जो समस्या गया के जिले में किसी शिक्षक को हो सकती है, जमुई के किसी एक शिक्षक के लिए वही समस्या के माने एकदम अलग है। तो बहुत जरूरी है कि छोटे छोटे ग्रुप्स में किसी भी माध्यम की वजह से लिमिटेशन ना करें, आपस में जुड़े, एक परस्पर संवाद करें। इस दिशा में आपके इस सीखने सिखाने की जो यात्रा है, इस यात्रा के संदर्भ में प्राइमरी शिक्षा विभाग भी आपके लिए तरह तरह के आयाम इस साल लेके आया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस संदर्भ में मुझे यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप सभी के साथ विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि 5 जून को हम दीक्षा कोर्स के माध्यम से एक ई लर्निंग मॉड्यूल, एक कोर्स का प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके साथ ही साथ हर महीने आप सभी के लिए, खासकर हेड टीचर और टीचरों के लिए, ये दीक्षा पर कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा, जो तरह तरह के कॉन्सेप्ट, फ्रेमवर्क और टूल से सुसज्जित होगा। और इसके साथ ही साथ डॉक्टर रंजीत की सानिध्यता में, इनकी मार्गदर्शन में, हर महीने हम आपके साथ, अगर आप आपके साथ एक YouTube सत्र के माध्यम से भी जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे उस पर्टिकुलर मंथ के थीम पर, की टॉपिक पर। ये जो टीचर है, ये जो प्रथम फेज है, जैसा मैंने बोला, इसके बाद संवाद भी है, इसके बाद एक्शन लर्निंग प्रोजेक्ट भी है, बट इन दो चरणों के साथ हम शुरू करेंगे। ये तभी संभव है जब आप सभी आगे आए, आप सभी ओनरशिप ले कि सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, एज अ शिक्षक, एज अ हेडमास्टर, एज अ CRCC, मैं एक कदम बढ़ाऊंगा और मैं अपने क्लस्टर के लिए एक स्टेप लूंगा, और चाहे दीक्षा कोर्स हो, चाहे हमारा लाइव सत्र हो, या खुद के स्तर पर भी ऐसे ऐसे सत्र आयोजित करें, खुद के स्तर भी ऐसे छोटे छोटे डिस्कशन आप आयोजित करें और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इन संदर्भ में जैसा मैंने बोला, हम आपके सुझाव के बिना ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम हम नहीं पूर्ण कर सकते, इसलिए आप सभी के साथ प्राइमरी शिक्षा विभाग द्वारा एक गूगल फॉर्म साझा किया जाएगा। आपको सोमवार को यह फॉर्म लेटर के माध्यम से भेज दिया जाएगा। अगर फॉर्म ना मिले तो आप खंड शिक्षा अधिकारी से रूबरू हो, वो आपको ये फॉर्म दे देंगे।
इस फॉर्म में कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न है जिसके माध्यम से हम आपसे जानना चाहते हैं। प्राइमरी शिक्षा विभाग पहली बार आपसे ये जानना चाह रही है कि आप बताइए कि किस तरीके की लर्निंग आपको करनी है, किस विषयों पर आप चाहते हैं कि राज्य सरकार आपको कोर्सेज बना के दे, किस विषयों पर हम मंथली जो हमारा यूट्यूब सत्र का आयोजन कराना चाह रहे हैं, किस तरीके के एक्सपर्ट को आप सुनना चाह रहे हैं, तो इस संदर्भ में आपसे कुछ प्रश्न भी साझा किए जाएंगे। हमें मैं आशा करता हूं और आप सभी के चैट को देखकर ये लग रहा है और जिस तरीके से आप सभी जुड़े हैं, मैं आशा करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने विचार देंगे। इसमें केवल शिक्षक या प्रशिक्षक को अपना विचार देने की जरूरत नहीं है, चाहे हमारे सीआरसीसी हो, बीआरपी हो, डीईओ हो, डीपीओ हो, सभी लोग अपने सुझाव इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ग्राउंड पर लेयर पे काम करने वाले सभी लोगों का सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस फॉर्म को भरें और हमें अपना फीडबैक दें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इस बात की तरफ जोर देती है और इशारा करती है कि 2025 तक एक राष्ट्र ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है हमारे देश ने कि हमारे जो बच्चे हैं, जो कक्षा 3 के बच्चे हैं, जो प्राइमरी के बच्चे हैं, वो बुनियादी शिक्षा को हासिल कर ले। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर काफी बात करी है अपने मन की बात में, अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री सामने आके कह रहा है कि आइए साथ मिलकर फाउंडेशन लिटरेसी यूनिवर्सिटी को बनाएं, एक नई शिक्षा नीति निकल के आ रही है, तो मुझे आप सभी का साथ चाहिए। आप बताइए मुझे इस चैट बॉक्स के माध्यम से कि क्या ये संभव है, क्या आप लोग अपने स्तर पर वो प्रयास करेंगे जिसके माध्यम से हम ये लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। विभाग द्वारा मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है, इस संदर्भ में बुनियादी शिक्षा की समझ को और गहरा करने के लिए, नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए प्लीज, हम आप सभी के साथ दीक्षा का प्रथम कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है बताते हुए कि जो पहला कोर्स है हमारा फाउंडेशन लिटरेसी के ऊपर है कि सीखने के सिद्धांत क्या है, और इस कोर्स की सबसे खास बात क्या है कि इस कोर्स में कुछ क्विज है, कुछ प्रश्न उत्तर है, कुछ इंटरैक्टिव वीडियोस है, कुछ पढ़ने की सामग्रियां हैं, और साथ ही साथ जब आप उसको पढ़ लेंगे तो उन पर आधारित कुछ क्विज भी हमने तैयार किए हैं जिसके माध्यम से आप जो है समझ सकते हैं अपनी अपनी फाउंडेशन लिटरेसी की जो समझ है उसको और गहरा कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हमें ध्यान क्या देना है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, और जैसा कि हम कह रहे हैं कि आपके प्रयास को हम बेकार नहीं जाने देंगे, आपके जो कदम है, आप जो प्रयास अपने स्तर पर कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने टीचरों के लिए, उसको हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तो राज्य सरकार क्या करेगा, जैसे ही आप दीक्षा पर ये कोर्स कर लेंगे, आपको राज्य सरकार द्वारा एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। सभी शिक्षकों एवं हेडमास्टर के लिए कोर्स करना अनिवार्य है, और एक नियम है, एक इसके कंडीशन यही है कि जब आप इस कोर्स के सभी मॉड्यूल, यानी कि इसका जो भी इसमें इंटरैक्टिव वीडियो है और जो भी इसमें कुछ प्रश्न उत्तरी है, ये जब आप पूर्ण कर लेंगे तभी हम ये कोर्स आपको उपलब्ध होगा, तभी ये सर्टिफिकेट आपको मिल पाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आइए थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं, आज जैसा कि नेहा जी ने बोला, हमारे साथ हमारे राज्य की विभागाध्यक्ष जो हमारी दीक्षा टीम की है अर्चना जी भी जुड़ेंगी, वो भी आपसे अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगी कि क्या भूमिका है ई लर्निंग की, कैसे दीक्षा कोर्स के माध्यम से हम जो है, और अलग अलग, एक कोर्स ही नहीं, अलग अलग तरीकों से माध्यम से हम कैसे ई लर्निंग जो कि हमारा आज का थीम है उस पर कोरोना काल के बावजूद भी अपनी सीखने सिखाने की प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं। आपको करना क्या है, जैसा कि मैं अवगत हूं कि आप सभी के पास दीक्षा कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आपके पास दीक्षा कोर्स नहीं है तो प्ले स्टोर पर जाएं, दीक्षा ऐप जल्द तुरंत की तुरंत डाउनलोड करें। अगर आपने डाउनलोड कर लिया है, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कृपया ध्यान से सुने, अगर आपने कोर्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आपको थर्ड पिक्चर में दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको साइड बार में प्रोफाइल का आइकन बना हुआ है, प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करके आपको अपना प्रोफाइल ऐड करना होगा, आपको डालना होगा कि आप खंड शिक्षा अधिकारी हैं, आप प्रधानाध्यापक हैं, आप शिक्षक हैं, आपका विद्यालय क्या है, ये सारी जानकारी जो है आपको यहाँ पर अपडेट करनी होगी। ये सारी जानकारी अपडेट करने के बाद ही आप
कोर्स का सर्टिफिकेट ले पाएंगे। अगर आप बिना प्रोफाइल अपडेट किए कोर्स करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट आपके नाम से नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले चीज काम यही करें कि आप जाकर दीक्षा ऐप पर जाएं और प्रोफाइल अपडेट करें। इस संदर्भ में हमने क्या किया है, हमने 3 वीडियोस भी बनाए हैं जो आपकी मदद करेंगे दीक्षा ऐप के पे आपकी समझ को, प्रोफाइल अपडेट करने को, रजिस्ट्रेशन को पूरा करने के लिए। आप वीडियो कैसे देखेंगे, तो जो डॉक्टर रंजीत का यूट्यूब लाइव है उसके डिस्क्रिप्शन में जाएं, वो 3 वीडियो आपको वहां पर दिख जाएगा हमारे इस यूट्यूब सत्र में ही जिससे आप जुड़े हैं। और घबराए नहीं, अगर आप इसे नहीं खोज पा रहे हैं तो सोमवार को आपको विभाग की तरफ से एक लेटर भी सारे खंड शिक्षा अधिकारियों को यहां से प्रेषित कर दिया जाएगा जिसमें ये सारी जानकारी हम विभाग द्वारा आप तक पहुंचा देंगे। अब विभाग द्वारा क्रिएट किए गए विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप पर भी इसकी सारी चीजें हम जो है उपलब्ध करा देंगे। तो मुझे आपसे जवाब चाहिए, इस चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए, क्या आप हमारे जो देश का, जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है कि हम फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी पर दक्षता हासिल करेंगे, क्या आप तैयार हैं पहला कदम बढ़ाने के लिए इस लर्निंग कोर्स के माध्यम से, हम मुझे चैट बॉक्स पर जाके बताइए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ध्यान दें, ये सूचना बहुत महत्वपूर्ण है कि जितने भी हमारे प्रधानाध्यापक, हमारे शिक्षक हैं और हमारे, चाहे हमारे सीआरसीसी क्यों ना हो, चाहे हमारे बीओ क्यों ना हो, भले ही आप सीआरसीसी, बीआरपी और डीओ आप कोर्स को ना करें, लेकिन आप सभी से भी निवेदन है कि आप अपना प्रोफाइल अपडेट कर ले। सारे प्रधानाध्यापक और शिक्षक खास तौर पर ध्यान दें कि आपको दीक्षा ऐप पर, चाहे आपने पहले से लॉगिन किया है या नहीं किया है, आपको अपना प्रोफाइल अपडेट करना है, तभी आप दीक्षा के नए फीचर और कोर्स को कर पाएंगे। कोर्स 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के दिन से लाइव हो जाएगा, तो आपके पास 1 हफ्ते का समय है अपने दीक्षा ऐप को इंस्टॉल करने का, प्रोफाइल अपडेट करने का और तैयार रहने का। कहते हैं ना, कमर कस के तैयार हो जाने का जो विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं उस पर अपना पहला कदम बढ़ाने के लिए। तो मेरी तरफ से मुझे इतनी ही सारी बातें आप सभी तक पहुंचानी थी। आशा करता हूं कि प्राइमरी शिक्षा विभाग द्वारा किए गए प्रयास हम सबके लिए, ना केवल आपके लिए, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि हम और आप महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है हमारे बच्चे, हमारा विद्यालय, उन सबको जो चीज आप सीखने सिखाने की इस प्रक्रिया में हासिल कर पाएंगे, इसके माध्यम से हमारे बच्चे लाभान्वित होंगे। इसी के साथ मैं अपनी अपने प्रेजेंटेशन को विराम देता हूं और मैं बहुत उत्सुक हूं डॉक्टर अर्चना को सुनने के लिए। मैं नेहा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बहुत ही अच्छी चीजें बताई कि हम क्या करने वाले हैं और उस करने के क्रम में क्या क्या तरीके हम अपनाने वाले हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने डिटेल में बताया और मुझे आशा है कि जितने भी यहाँ पे ऑडियंस है, जितने लोग भी इसे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो काफी ज्यादा रिलेट कर पा रहे हैं कि जरूरत तो है, हमने कुछ सीखा है, अगर वो सीखा हुआ चीज कहीं एक्शन में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, कहीं एक कहते हैं ना, एक बोरी में बंद किए हुए सामान जैसा है कि आपके पास है मगर आप उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है जो सौरभ आपने एम्फेसिस किया, बहुत बहुत। और इसी आशा के साथ की जो हम लोगों ने डेट तय किया है 5 तारीख, तब तक आप सब लोग अपना डेट कर लें प्रोफाइल, ताकि हम लोग आगे आने वाले जितने भी लर्निंग रिसोर्स है उसको एक्सप्लोर कर पाए। इसी के अब नेक्स्ट मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर अर्चना, SERT के तरफ से दीक्षा की गोदन वो लीड कर रहे हैं, वो आए और अपनी बातों को आगे रखें कि किस तरह से दीक्षा SERT में जो टीम उनकी दूरी बैठती है, उनकी टीम क्या करती है और कितने लोग हैं वहाँ पे इस पूरे दीक्षा को पूरे स्टेट तक अलग अलग टीचर्स के साथ पूरे कंटेंट को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो मैं आदरणीय रचना मैम वेलकम करना चाहूंगी। अर्चना मैम प्लीज आए और आप साझा करें अपने विचार जी। अच्छा मैम, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं ऑडिबल है।
कॉल है नहीं। हेलो मैम, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? आपने अनम्यूट किया है बट आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं हम लोग। जी मैम। हाँ, एम आई ऑडिबल? या मैम प्लीज। यस, पीपीटी रिमूव पीपीटी। तो जहाँ तक एससीईआरटी का जो दीक्षा प्लेटफॉर्म के लिए जो प्रयास है, मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता देना चाहती हूँ। वह प्रयास इस तरह से प्रारंभ की गई थी, यह दीक्षा नेशनल प्लेटफॉर्म जो है उसकी उसकी शुरुआत मार्च 2018 में बिहार सरकार के द्वारा किया गया है और इसके लिए स्टीयरिंग कमेटी का निर्माण किया गया था, जिसके अध्यक्ष जो है वो हमारे अपर मुख्य सचिव होते हैं और नियमतः उनके द्वारा यह नोटिफाई किया गया था। स्टीयरिंग कमेटी के बाद जो डिफरेंट कमेटीज है, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है, क्यूरेशन कमेटी है, कंटेंट कमेटी है, और इस तरह से विभिन्न कमेटियों के लिए अलग अलग लोगों का दायित्व निर्धारित किया गया है। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने 2018 में एससीईआरटी के तहत से, जो कि एससीईआरटी को एज ए नोडल एजेंसी घोषित किया गया था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, और तभी से हम लोगों ने अपना काम करना शुरू किया है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, डिटेल में जो चर्चा होगी वो जो एकेडमिक पार्ट है वो अभिषेक करेंगे और वो स्लाइड के द्वारा प्रेजेंट करेंगे, लेकिन मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि 2018 से लेकर अभी 2021 तक का जो प्रयास है और खास करके जो आज का समय है, आज का जो पर्सपेक्टिव है, उस पर्सपेक्टिव में ई लर्निंग के लिए जो दीक्षा प्लेटफॉर्म का यूज है वह बिल्कुल काबिले तारीफ है। और यह शिक्षा मंत्रालय ने जो हमें मौका दिया है, हर राज्य को जो मौका दिया है, उस मौका का लाभ हम लोग अगर समेकित प्रयास के रूप में एक प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर करें तो शायद हमारे राज्य के जो ये 75,000 विद्यालय हैं, उस विद्यालय के सभी बच्चे आज के समय के हिसाब से लाभान्वित हो पाएंगे। और निश्चित रूप से यह उनकी आवश्यकता है, क्योंकि अब हम ऑफलाइन मोड में बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों की लर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उस ऐसे समय में हमारे लिए जो सब्स्टिट्यूट है वो ई लर्निंग का ही माध्यम है। और ये ई लर्निंग जो है वो इतना एक्सेसिबल है कि अगर बच्चों के पास या डिवाइस अवेलेबल है तो निश्चित रूप से वह उससे अपने कंटेंट के साथ आराम से जुड़ सकते हैं और कंटेंट को सीखने में जो लर्निंग का पर्सपेक्टिव है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजों को समझकर असेसमेंट तक वो जा सकते हैं। और असेसमेंट का जब हम मॉनिटरिंग करेंगे तो निश्चित रूप से वह जो लर्निंग आउटकम है, वो लर्निंग आउटकम बच्चों ने अचीव किया या नहीं किया, इसको भी हम दीक्षा पोर्टल के माध्यम से असेस कर सकते हैं। तो यह बहुत आवश्यकता है और इस आवश्यकता को हम हर बच्चों तक, हर शिक्षकों तक, हर शैक्षिक पदाधिकारियों तक हम अपनी पहुंच बना सकते हैं। और निश्चित रूप से यह दौर जो है वह हमको ये कार्य करने के लिए आगे प्रशस्त कर रहा है। तो यह आज का जो प्रयास है नेहा के माध्यम से या सौरभ जी के माध्यम से और हमारे जो अग्रणी हमारे विभाग के जो मुखिया हैं उनके द्वारा, यह निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय है। और इस प्रशंसनीय दौर के क्रम में हम जो प्रेजेंटेशन पीपीटी दिया गया है सौरभ के माध्यम से वह बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया गया है, लेकिन हमारा बस एक ही रिक्वेस्ट होगा कि यह जो प्रयास है वह हॉलिस्टिक वे में वो आगे बढ़े, हम अलग अलग ना बढ़ के हम एक यूनिफॉर्म
प्लेटफॉर्म के रूप में हम इसको आगे बढ़ाएं और निश्चित रूप से जो हमारा गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, उस ऑब्जेक्टिव्स को हम ई लर्निंग के माध्यम से बच्चों तक अपनी पहुंच बनाएं, क्योंकि अंततः जो हमारा टारगेट है हमारे वो बच्चे हैं जो जिन बच्चों के पास इसके अतिरिक्त और भी कोई सुविधा नहीं है। शिक्षक हमारे आज क्लासरूम में नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि शिक्षक का पर्याय कोई भी नहीं है। यह पेडागॉजी भी प्रूफ करता है और यह बिल्कुल मतलब निसंदेह निसंकोच हम कह सकते हैं कि हमारे शिक्षक हैं, लेकिन आज कोरोना क्रम में कोरोना काल में हम वह पहुंच नहीं बना सकते हैं, तो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूट है वो ई लर्निंग का माध्यम है। वीडियो ई कंटेंट के माध्यम से हम बच्चों तक पहुंच सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंच सकते हैं, पोर्टल का हम बच्चों के लिए यूज कैसे आसानी से करें, शिक्षक इसमें उनकी अग्रणी भूमिका होगी। हमारे ऑफिसर्स जो हैं उसको वहां तक पहुंचाने में मददगार हों, इस तरह से हम इन चीजों को आगे बढ़ाने में निश्चित रूप से आगे सफल होंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। और SCERT की जो भूमिका है एज ए नोडल एजेंसी के रूप में जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, वह उसके कम से कम 8-10 इंडिकेटर्स हैं। मैं जब अगले प्रेजेंटेशन में अगर मुझे शामिल होने का मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से हम उस पर डिस्कशन करेंगे और उन पैरामीटर्स को डील करने में हम कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। आज हमारे पास SCERT के पास क्यूरेशन टीम के रूप में हमारे पास कम से कम 70-80 शिक्षकों का समूह है जो कि ई कंटेंट बनाने के लिए वो काफी कंपिटेंट है। और हम लोगों ने SCERT से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, DOs के लेवल पे भी उनको लेटर के माध्यम से उनसे मांग की थी कि जो उनके यहाँ जो ई कंटेंट बनाने में जो टेक्नोलॉजी से रूबरू है वैसे शिक्षकों की सूची हमें उपलब्ध कराएं जो कि हमारे साथ ई कंटेंट डेवलप करने में उनको हम शामिल कर सके। तो हमारे जो मेन जो टारगेट ग्रुप है उन टारगेट ग्रुप तक पहुंचने के लिए जो है वो हमारे शिक्षक ही मार्गदर्शी हैं और उन वो जो फैसिलिटेटर के रूप में हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, चाहे वो क्रिएशन का काम हो, चाहे वो क्यूरेशन का काम हो, अथवा रिव्यू का काम हो, या क्लासरूम ट्रांजेक्शन का काम हो, तो इन सारे कामों में हम उनके बिना कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो हम डीओ सर लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस काम में SCERT को वो अपना महत्वपूर्ण पार्टिसिपेशन इंश्योर करें और हम अपने शिक्षकों के साथ मिलके आगे ई कंटेंट डेवलप करने में भी काम बढ़ाते रहें। और अभी तक हम लोगों ने जो दीक्षा पोर्टल पे जो ई कंटेंट का जो टोटल कवरेज है वो लगभग 3,100 जो कि पूलिंग के माध्यम से और डेवलपमेंट के माध्यम से अभी तक हम इंश्योर कर पाए हैं, जो दीक्षा पोर्टल पे ऑलरेडी अवेलेबल करा दिया गया, अपलोड करा दिया गया। लेकिन यह कार्य लगातार प्रक्रियाधीन है, कोरोना के कारण हम लोगों ने ऑफलाइन मोड में काम करना बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी हम लोग ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं शिक्षकों के साथ, अपनी टीम के साथ, और इस काम में लगातार आगे काम बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक टीपीडी का मामला है, टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मामला है, वह उसमें भी हम लोगों ने हमारे पास शिक्षक के माध्यम से, अदर सोर्सेज के माध्यम से काफी ट्रेनिंग मॉड्यूल है जिसको कि हम लोग रिव्यू करने के क्रम में लगे हुए हैं। और हमारा मंत्रा फॉर चेंज और रंजीत सर से भी रिक्वेस्ट होगा कि वो एक बार एक साथ मिलके हम लोग बैठ के थोड़ा सा इस पे का मार्गदर्शन चाहेंगे कि वो असिस्ट हमें भी असिस्ट करें कि किन मॉड्यूल्स को हमें आगे ले जाना है और किसको नहीं ले जाना है, जो हमारे अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ हमारा टारगेट ग्रुप है, नीड ऑफ टीचर्स है, नीड ऑफ स्टूडेंट्स है, उसके हिसाब से अगर हम अपनी चीजों को दीक्षा पोर्टल पे रखते हैं, उनके
कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, तो निस्संदेह यह बहुत ही फ्रूटफुल होगा और हमारे कार्य का उद्देश्य सफल साबित होगा। तो मुझे लगता है यह एक समेकित प्रयास है और इसके आगे भी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो नीड है, उस नीड के हिसाब से अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये सारी चीज़ों के जो कंटेंट डेवलपमेंट है, KLM है, ये सारे क्षेत्र में हमको ई लर्निंग के माध्यम से ही काम करना है। तो बहुत अधिक समय नहीं लेते हुए मुझे लगता है कि अलार्म बज गया है, सॉरी, मैं सभी लोगों से क्षमा चाहती हूँ और आगे मैं अभिषेक को आमंत्रित करती हूँ कि वो आगे अपना प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने दीक्षा के पूरे पृष्ठभूमि को बताया और ये भी सबको आश्वस्त किया कि हम तैयार हैं, हमारी दीक्षा की टीम तैयार है, बस हमें आप सबका साथ चाहिए, जहाँ पे जो कोर्सेज हैं वो आप तक पहुँचे और आप उस कोर्स का लाभ उठा पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो अब मैं आग्रह करना चाहूंगी हमारे एक्सपर्ट के तौर पे आज जो सेशन में जुड़े हैं अभिषेक जी को, जो कि मैम के साथ बहुत ही नजदीकी से काम कर रहे हैं, SCRT में दीक्षा टीम के को लीड कर रहे हैं सर, और मोस्ट ऑफ द थिंग्स सर बहुत सारी चीजें कर रहे हैं और कोर्स को लेकर बहुत सहयोग रहा है सर का। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अभिषेक जी का कि सर आए और दीक्षा में क्या क्या चीजें हो चुकी हैं और क्या क्या चीजें, तरीके क्या हैं, उन सब चीजों पर चर्चा करें। तो वेलकम सर। मेरी आवाज जा रही है नेहा जी? It's audible. Okay. धन्यवाद नेहा जी मेरा संक्षिप्त परिचय देने के लिए। हम लोग प्रेजेंटेशन जो है वो लाइव कर सकते हैं। मैं शुरू करूं? जी अभिषेक जी, okay. आप शुरू कीजिए। Okay. रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर प्राइमरी एजुकेशन, रिस्पेक्टेड प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर दीक्षा, और इस YouTube लाइव सेशन से दूर दूर से के जिलों से जुड़े हुए सभी ऑफिशियल्स, विद्यालय प्रधान, सभी शिक्षक, आप सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैडम ने मेरा परिचय दिया ही है, और मैं SCRT स्तर के गठित दीक्षा वर्किंग कमेटी में सदस्य के रूप में काम कर रहा हूँ, तब से जब से बिहार में ये मार्च 2018 से ये प्रोग्राम जो है वो शुरू हुआ। और मैं अगले 10 से 12 मिनट में ये प्रयास करूंगा कि मैं एक प्रेजेंटेशन, इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप लोगों के समक्ष जो है दीक्षा का एक परिचय जो है वो आपके सामने रख सकूं। मेरी ये समझ है कि पिछले 6-8 महीनों में कम से कम सब लोग दीक्षा शब्द से या दीक्षा पोर्टल से परिचित हैं, लेकिन यह परिचय जो है वो निष्ठा के रेफरेंस में है। तो मेरा प्रयास ये होगा कि हम निष्ठा से इतर जाकर दीक्षा में क्या संभावनाएं हैं, दीक्षा क्या क्या उपलब्ध कराता है, और ये जो इस YouTube लाइव का हमारा विषय है कि ई लर्निंग में क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं हमारे स्टेट में, तो उस बाबत जो है वो दीक्षा मतलब कैसे पर्पसफुल हो सकता है, ये मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने का। इस प्रेजेंटेशन में हम लोग बहुत ही संक्षेप में देखेंगे दिए गए समय में कि दीक्षा है क्या, दीक्षा में अभी क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं, और इमीडिएट फ्यूचर में हम लोग दीक्षा में क्या करने जा रहे हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं दीक्षा के बारे में एक परिचय बनाने का। मैं इसलिए भी आप लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि हम लोग दीक्षा में एनरोल्ड हैं, हमारा यूजर आईडी बना हुआ है, लेकिन हम लोग इसको एक्सप्लोर अभी तक नहीं किए हैं। एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के रूप में तो जानते हैं, लेकिन मेरा ये प्रयास है और मेरी ये इच्छा भी है कि हम सब इसको उससे अलग भी जाकर देखें कि ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म कैसे है। नेक्स्ट स्लाइड नेहा जी। हम सब इस बात को स्वीकार करेंगे कि पिछले कुछ समय में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ICT इंटीग्रेशन की जो अनिवार्यता या जो अपरिहार्यता हम लोग अभी महसूस कर रहे हैं ना, शायद ही दशकों में महसूस की गई हो, और इसका कारण हम लोग सब देख रहे हैं, हम लोग कितने कठिन समय से जूझ रहे हैं। तो इस संबंध में देश में के स्तर पे या राज्य के स्तर पे हम लोगों ने कई इनिशिएटिव्स लिए हैं जो कि ICT के इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है टीचिंग लर्निंग में।
सौरभ जी ने अपने प्रेजेंटेशन में हमारे राज्य में जो सारे इनिशिएटिव्स हैं अभी जो चल रहे हैं उनको बारे में बहुत अच्छे से बताया, तो दीक्षा भी इसी तरह का एक इनिशिएटिव है, एक डिजिटल इनिशिएटिव है जो कि टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में आईसीटी इंटीग्रेशन को फोकस करता है, और दीक्षा अपने कोर में अपने सोल में शिक्षकों के लिए काम करता है, टीचर्स के लिए ये चिंता करता है, हमारे टीचर्स की इनेबलिंग के लिए, उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो कैसे दीक्षा एक प्लेटफॉर्म है जो कि सभी शिक्षकों को एक ऐसा स्पेस, डिजिटल स्पेस उपलब्ध कराता है जहां सभी शिक्षक आपस में, सभी शिक्षक से मेरा मतलब बिहार के शिक्षक ही नहीं, देश के सभी शिक्षक आपस में जुड़ सके वर्चुअली, एक दूसरे को एकेडमिक सपोर्ट दे सके, और साथ ही साथ जो भी उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो वो नया करते हैं, जो वो क्रिएट करते हैं, ये सारी चीजें भी दीक्षा के माध्यम से शेयर की जा सकती हैं। तो मुझे इस प्लेटफॉर्म की शक्ति या इसके पोटेंशियल का इसी से एक अंदाजा होता है कि ये कितना सक्षम एक सिस्टम हो सकता है जिसमें मिलियंस ऑफ टीचर्स हमारे देश के सब एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े हैं। तो ये एक ऐसा प्लेक्सस है जो बहुत ही मजबूत है। तो इससे हम लोग ये ना समझें कि मैडम पिछले स्लाइड में हम लोग ओके थैंक यू ये ना समझें हम लोग कि ये सिर्फ शिक्षकों की चिंता करता है। दीक्षा एक लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में अपने एंड यूजर्स बच्चों के लिए डिजिटल टेक्स्ट बुक्स, हाई क्वालिटी लर्निंग कंटेंट्स और रिसोर्सेस अवेलेबल कराता है। और कोविड के दौरान चूंकि अभी हम लोग देख रहे हैं स्कूल बंद हैं, तो दीक्षा पोर्टल, ऐप और फिजिकल टेक्स्ट बुक, इन तीनों माध्यम से जो है वो दीक्षा जो है वो की कंटेंट बच्चों तक पहुंच सकते हैं। पूरी तरह से पहुंच रहे हैं ये कहना तो सही नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे रेजिस्टेंट हैं, बट दीक्षा में ऐसा पोटेंशियल है। और जो कि इस लर्निंग सेशन, इस यूट्यूब सेशन का एक मुख्य एजेंडा है कि हम लोग बहुत खुशी के साथ अगले 5 तारीख को एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं सीखने के सिद्धांत के नाम से। ये दीक्षा की खासियत है, ये सिर्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म ही नहीं एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म भी है, और हम लोगों ने अभी तुरंत ही महसूस किया, अभी तुरंत ही एक्सपीरियंस किया कि कैसे लाखों टीचर्स को निष्ठा की ट्रेनिंग दीक्षा के माध्यम से दी जा सकी। यानी दीक्षा अपने रेजिलियंस को साबित किया है इस बात पर के लिए कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है जहां से हम किसी भी तरह की ऑनलाइन टीचिंग कोर्सेस को, ट्रेनिंग्स को हम टीचर्स तक जो है इम्पार्ट कर सकते हैं। और इसी कड़ी में टीपीडी के ही अंतर्गत हम लोग जो है आपके साथ जो है सीखने के सिद्धांत नाम से कोर्स जो है वो शेयर करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि ये कोर्स जब आप लोगों तक पहुंचेगा आप लोग इसको उतनी ही तन्मयता से कंज्यूम करेंगे जैसे हम लोगों ने निष्ठा के साथ किया। एक दीक्षा का एक परिचय जो कि इसको अन्य किसी लर्निंग प्लेटफॉर्म से अलग बनाता है वो मैं आपसे जरूर शेयर करता हूँ। ये सिर्फ कंजम्पशन को बढ़ावा नहीं देता, ये सिर्फ ये नहीं बताता कि आप चीजों को कंज्यूमर के रूप में लें, बल्कि आप क्रिएट भी करें। दीक्षा का अपना एक ऑनलाइन क्रिएशन टूल है, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक, हम में से कोई भी टीचर या कोई भी इंटरेस्टेड व्यक्ति जा सकता है अपने प्रोफाइल में और खुद का कंटेंट बना सकता है। तो अगर बच्चों के लिए हम कंटेंट बनाना चाहते हैं तो दीक्षा इज देयर, हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो मेरा प्रयास यही है कि हम लोग इसको ट्रेनिंग मोड प्लेटफॉर्म के अलग भी जाने कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं। नेक्स्ट स्लाइड में वैसे तो दीक्षा में हम लोग 8 दिशाओं में, 8 डायमेंशंस में काम कर रहे हैं, लेकिन दिए गए समय में हम लोग बस 2 पर ही चर्चा करेंगे जो कि इस YouTube लाइव सेशन के संदर्भ में है, एक टीचिंग लर्निंग कंटेंट और एक टीपीडी जो जिसके अंतर्गत हम लोग कोर्स जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। टीचिंग लर्निंग कंटेंट में मुझे ये बात बताते हुए थोड़ी खुशी भी होती है और थोड़ी मायूसी भी होती है क्योंकि जब मैं विभिन्न जिलों के शिक्षकों से बात करता हूँ, कभी संपर्क होता है, तो जब मैं पूछता हूँ कि आपने क्या QR कोडेड बुक्स देखी हैं या हमारे बुक्स QR कोडेड आ रहे हैं, क्या आप जान रहे हैं, तो बहुत ही मतलब उत्साहजनक जवाब नहीं मिलता। मैं इस मंच का उपयोग जरूर करना चाहूँगा कि आप सबों के साथ मैं इस बात को शेयर कर सकूँ कि 2018-19 में जो भी किताबें छपी हैं और
2021 में भी, हालांकि सारी किताबें नहीं छपी छप पाई हैं, बट जो भी किताबें छपी हैं सभी किताबें QR कोड के साथ छपी हैं, बिहार सरकार की हमारे विद्यालयों की किताब QR कोड के साथ हैं। तो ये हम लोग जरूर देखें कि ये है क्या। इसको हम लोग एक नाम दिए हैं एनर्जाइज टेक्स्ट बुक ईटी। बहुत सिंपल है, जो हम लोग किताब यूज करते हैं अपने विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकें, उसमें हर चैप्टर में हम लोगों ने एक QR कोड लगाया और QR कोड के साथ इसका मुद्रण कराया। तो ये हमारा एक हार्ड कॉपी है ईटीबी का, लेकिन सिर्फ QR कोड मुद्रण से तो कुछ होता नहीं ना। तो अगले स्टेप में हम लोगों ने उस चैप्टर के उस QR कोड के पीछे में कई डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेस, चाहे एक्सप्लेनेटरी वीडियोस हों, लेसन प्लान या डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग रिसोर्स जो हैं वो उसमें ऐड किए, जिससे कि कोई भी यूजर, टीचर या बच्चा अपने मोबाइल फोन से उस QR कोड को स्कैन करता है तो उस चैप्टर से संबंधित जितने भी वीडियोस और कंटेंट है वो सब उसके पास अवेलेबल होंगे। तो इस तरह से एनर्जाइज टेक्स्ट बुक के माध्यम से हम लोग फिजिकली भी, मतलब डिजिटल वर्ल्ड में या डिजिटल स्पेस में जो कंटेंट्स है वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ फिजिकल फॉर्म में लिमिटेड नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ जो मैंने बात करी, ये सारे एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स यानी बिहार सरकार की जो किताबें जो QR कोड के साथ छपी हैं वो दीक्षा प्लेटफॉर्म पे भी डिजिटल टेक्स्ट बुक के रूप में उपलब्ध हैं। ये हम लोगों ने, बहुतों ने एक्सप्लोर भी किया होगा और अभी भी मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इस सेशन के बाद जरूर एक्सप्लोर करें कि आपने बस करना क्या है कि इस पोर्टल पे, जो दीक्षा पोर्टल है वहां जाना है, और इसका एक बहुत सुगम ऐप भी है प्ले स्टोर पर, दीक्षा ऐप, जिसका यूज हम लोग ट्रेनिंग निष्ठा ट्रेनिंग के लिए कर रहे हैं। हम लोग बस अपने क्लास को टाइप करेंगे और सब्जेक्ट को चुनेंगे और फिर हम लोग जो है वो कंटेंट को वहां पर देख सकते हैं। सारे टेक्स्ट बुक वहां अपीयर हो जाएंगे और वो जितने भी टेक्स्ट बुक उस क्लास से संबंधित है उस विषय से, और जैसे ही हम लोग उस टेक्स्ट बुक को खोलेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में, तो हम लोगों को चैप्टर का लिस्ट मिलेगा और चैप्टर के लिस्ट में हर चैप्टर के साथ जितने भी कंटेंट लगे हुए हैं ये सारे कंटेंट्स आप देख सकते हैं। यानी हम लोग डिजिटल टेक्स्ट बुक के साथ साथ डिजिटल कंटेंट्स भी वहां पर दीक्षा पोर्टल पर अवेलेबल है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं एक डेटा जरूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि इतनी चीजें ऑलरेडी हमारे पास डिजिटल स्पेस में है, हम लोग को इसका उपयोग करना और करना चाहिए और लोगों से शेयर भी करना चाहिए कि ये ज्यादा से ज्यादा यूज हो। अभी हम लोगों ने एलिमेंट्री क्लासेस की सभी किताबें दीक्षा पोर्टल पर डाल रखी हैं, सेकेंडरी की 16 किताबें हैं, यानी टोटल 114 डिजिटल टेक्स्ट बुक्स हैं, जिसमें कि हम लोगों ने लगभग 2000 चैप्टर्स को कवर किया है इतने ही QR कोड्स के साथ। और बहुत खुशी होती है ये बात शेयर करने में कि हम लोगों ने किसी भाषा को छोड़ा नहीं, हिंदी, उर्दू, अरेबिक, पर्शियन, बंगाली, मैथिली, ये सबकी किताबें आपको दीक्षा पोर्टल पर मिल सकती है। नेक्स्ट स्लाइड, मैं आपको ये जरूर बताऊं कि डिजिटल फॉर्म में किताबें हैं और किताबों के साथ साथ कंटेंट्स भी हैं। और ये जब हम बात करते हैं कंटेंट्स की ना, तो ये थोड़ा सा, मतलब एनकरेजिंग भी है, थोड़ा अनफॉर्चुनेट भी है। एनकरेजिंग इसलिए है क्योंकि साइंस और मैथ्स विषय में हम लोगों के जो 10 किताबें मैथ्स में और 8 किताबें साइंस की है ना, इसमें हम लोग लगभग 3000 हाई क्वालिटी जो है वीडियो कंटेंट्स जो है वो ऑलरेडी लगा रखे हैं। लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को अभी लैंग्वेज में हम लोगों ने काम करना शुरू करा है सोशल साइंसेस पे, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हम लोग जो है वो फेज वाइज मैनर में इन दो विषय के अलग भी डिजिटल कंटेंट जो है वो अवेलेबल कराएंगे। बट स्टिल हम लोग 3000 कंटेंट अपने बच्चों को लर्निंग के लिए अवेलेबल करा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में, तो एक एवरेज के रूप में देखा जाए तो मैथ्स की सभी किताबों में 200 कंटेंट, ये कम संख्या नहीं होती, 200 वीडियो कंटेंट की अगर बात करें। नेक्स्ट स्लाइड, और साइंस में हम लोग लगभग पर किताब जो है वो 100 कंटेंट के लगभग हम लोग अवेलेबल कराए हैं। तो इस तरह से हम ये जरूर बताने का एक प्रयास किए हैं कि हम लोग कैसे डिजिटल टेक्स्ट बुक को कंज्यूम कर सकते हैं और उसके उसमें जो रिसोर्स है वो भी। नेक्स्ट स्लाइड, एक मैं 2 मिनट का और समय आपसे जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण एसोसिएट प्रोग्राम है दीक्षा का, जिसको ई विद्यादान के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें कि
बिहार के ई विद्यादान पोर्टल पे हम लोगों ने 16 प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं अलग अलग विषयों के। ये है क्या विद्यादान? जैसे नाम से स्पष्ट है, ये एक कंटेंट सोर्सिंग जो है वो टूल है या एक कंटेंट सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है। हम में से कोई पूरे बिहार में कोई भी व्यक्ति या टीचर या स्कूल लीडर या इंस्टीट्यूशन TEI कोई भी अगर वो डिजिटल कंटेंट बनाते हैं या बनाए हैं या उनके पास एक टूल है, हम लोग इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अपने सारे कंटेंट्स को शेयर कर सकते हैं और ये सारे कंटेंट ऑटोमेटेड तरीके से वो टेक्स्ट बुक में जाकर लग जाएंगे। यानी आप जैसे ही अपने कंटेंट को शेयर करेंगे वो रिव्यू होने के बाद तुरंत ही डिजिटल टेक्स्ट बुक में दिखने लगेगा और स्कैन करने के बाद सभी बच्चों को दिखेगा। तो मेरा आग्रह ये भी है कि हम लोग विद्यादान के को भी एक बार जरूर देखें और अपने साथियों से भी शेयर करें कि किस तरह से हम लोग जो है वो अपने क्रिएटिविटी को और अपना जो एक पैशन है बच्चों तक पहुंचने का, लर्निंग पहुंचाने की, उसको हम लोग जो है एक चैनल के थ्रू सोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं। तो जैसे मैंने ये बताया, कोई भी व्यक्ति इसमें जो इंटरेस्टेड है अपने आप को नॉमिनेट करके ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं। ये एक ऐसा स्लाइड है जिसमें कि निष्ठा और दीक्षा को जोड़े बिना प्रेजेंटेशन पूरा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग दीक्षा को, मेरी समझ है कि निष्ठा के थ्रू ही ज्यादातर जानते हैं। हो सके आज के मेरे प्रयास के बाद हम लोग अलग नजरिए से देखेंगे। तो जैसा हम लोग जानते हैं, निष्ठा का पहला फेज हम लोगों ने ऑफलाइन मोड में किया, बट जब ये कोविड का सिचुएशन आया ना तो एक बहुत बड़ी परेशानी थी कि क्या हम लोग ये ट्रेनिंग और आगे कर सकेंगे। और बहुत खुशी होती है ये जब भी मैं शेयर करता हूँ कि दीक्षा बिहार में ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार था, पूरे देश में तैयार था असल में, और कि हम लोग इस ट्रेनिंग को रोल कर पाए और हजारों लाखों शिक्षकों तक पहुंच पाए। और जो दीक्षा पर टूल थे उन्होंने डेटा हैंडलिंग को, मॉनिटरिंग को, ट्रैकिंग को, रिपोर्टिंग को बहुत सुविधाजनक बनाया। और हम सब ये भी जानते हैं कि जिन लोगों ने क्या 100% कवरेज है हमारा और सभी को हम लोगों ने सर्टिफिकेट जो है दीक्षा ट्रेनिंग निष्ठा ट्रेनिंग का दिया है। अगला स्लाइड। जैसा कि इस यूट्यूब लाइव सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं कि इमीडिएट फ्यूचर में हम लोग क्या क्या करने जा रहे हैं, तो दीक्षा की ओर से दो चीज बहुत ही प्रोमिनेंटली मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। एक TPD वर्टिकल को हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जैसा कि सौरभ ने कहा कि हम लोग एक कोर्स आप लोगों के बीच रोल कर रहे हैं, और एक रीड अलोंग टेक्स्ट बुक भी हम लोग एलिमेंट्री क्लासेस में के लिए 1-8 लैंग्वेज यानी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू की सभी किताबों के रीड अलोंग वर्जन को भी जो है इस मंथ के लास्ट तक जो है हम लोग अवेलेबल कराएंगे। नेक्स्ट स्लाइड, लास्ट वन। जैसा कि इस YouTube लाइव सेशन के दौरान हम लोगों ने ये अभी समझ गए हैं कि 5 जून से हमारे पास एक कोर्स आने वाला है जिसको हम लोग उसी तरह से कंज्यूम करेंगे, उसी लगन से करेंगे जिस तरह से हम लोगों ने निष्ठा को करा। ये जो कोर्स है ये इसी TPD प्रोग्राम का ही हिस्सा है, जिसमें कि हम लोग सिर्फ एक ही नहीं, जैसा सौरभ ने कहा, हमारी पूरी तैयारी है और हम लोग एकदम तैयार बैठे हैं। सिर्फ एक डेमो हम लोग या एक कह सकते हैं पायलटिंग एक कोर्स के साथ कर रहे हैं और तुरंत ही हम लोग इससे ज्यादा कोर्स आपके लिए जो है उपलब्ध कराने की स्थिति में है। हर कोर्स बहुत ही छोटा होगा, छोटे छोटे टाइम स्पेंड का होगा, 50 मिनट, 60 मिनट, जिसमें 5-6 मॉड्यूल होंगे। आप उसको कंज्यूम करेंगे, सीखेंगे और फिर जो है उसके अगेंस्ट में जब आप पूरा कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मैं एक चीज जोर यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि जो निष्ठा के कोर्स या अदर ट्रेनिंग हम लोग अभी कोर्सेस देखे हैं और ये जो कोर्स अभी हम लोग देखने जा रहे हैं ना, इसमें एक बहुत अंतर, बड़ा अंतर क्या है, ये हाईली स्पेसिफिक है और सीधे पेन एरिया को टारगेट करता है। अगर किसी टीचर को क्लासरूम ट्रांजेक्शन में इंटीजर्स को बताने में या निगेटिव इंटीजर को बताने में दिक्कत है हो रही है या फिर करेंसी के कंसेप्ट को क्लास 3 में बताने में दिक्कत हो रही है, ये कोर्सेस ऐसे बन रहे हैं, ऐसे बने हुए हैं कि वो सिर्फ उसी कंटेंट को आप कैसे बच्चों तक पहुंचाएं इस पर फोकस्ड है। यानी जेनरिक कोर्सेस के बजाय हम लोग बहुत ही स्पेसिफिक कोर्स की ओर देख रहे हैं। तो मेरी उम्मीद है, जैसा कि सौरभ ने कहा, मैं एक बार फिर से इंफेसिस करता हूं इस बात को, हम लोग अपने दीक्षा, जिनके पास दीक्षा ऐप डाउनलोडेड है बहुत अच्छा, सबके पास है मुझे मालूम है, अगर किसी कारण से किन्हीं के पास नहीं, हम लोग डाउनलोड कर लें दीक्षा ऐप को 5 तारीख से पहले,
हम लोग ये उसमें अपना लॉगिन कर लें, क्योंकि हमारे पास यूजर आईडी पासवर्ड है, और फिर अपने प्रोफाइल को एक बार जोर से जोर अपडेट कर दें, क्योंकि जब तक आप अपडेट नहीं करेंगे ना, आपका डेटा हमारे पास रिफ्रेश नहीं होगा। और जैसे ही आपका डेटा हमारे पास रिफ्रेश हो गया, उसके बाद आप कोई भी कोर्स कंज्यूम करते हैं तो आपको जो है वो उसके लिए सर्टिफिकेट उसके अगेंस्ट मिलेगा। तो मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास करा, मैं समय से थोड़ा बाहर चला गया हूँ, लेकिन एक दो मिनट से ज़्यादा नहीं गया होगा मुझे पता है। मैंने प्रयास करा कि मैं दीक्षा के को एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म से अलग भी आपको दिखा सकूं कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म भी है। हम लोग दोनों रूप में दीक्षा को जरूर एक्सप्लोर करें। मेरा आप सबों से एक निवेदन है कि इस सेशन के बाद एक बार अपने दीक्षा ऐप को खोलें, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं एक बार जोर देखें, सारे कंटेंट्स को देखें और देखें कि हम बच्चों तक उसको कैसे पहुंचा सकते हैं। नेहा सॉरी अगर मैंने ज़्यादा समय लिया हो, सभी श्रोताओं से जो भी लोग इसमें जुड़े हैं सबको मेरा नमस्कार और सबको बहुत बहुत धन्यवाद पेशेंस रखने के लिए। थैंक यू नेहा। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपने दीक्षा के पूरे कार्य को अभी समझाया और क्या क्या तरीके हैं, कैसे आप इनरोल हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपने कवर की, और खास करके कि टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हमारे पास क्या है और कैसे वो आप लोगों को सहायता करेगा इस पे इम्फेसिस दिया। तो थैंक यू सो मच अभिषेक जी समय निकालने के लिए, और हमारा समय भी काफी हम लोग थोड़ा आगे चले गए हैं, और हमारे एक्सपर्ट के रूप में जिनके वजह से ये आज यूट्यूब लाइव होने हो पाया है, रंजीत सर को नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी कि वो आए और आज के पूरे यूट्यूब लाइव को एक मोड़ दें कि हम अब कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत सारे सवाल चैट बॉक्स में आए हैं, शायद कुछ सवालों के जवाब भी हमें मिलेंगे, तो मैं आग्रह करना चाहूंगी ऑडियंस से कि और जो भी सवाल है आप लोग चैट बॉक्स में दें। अभी शायद अगर कोई सवाल रह जाता है तो उसके जवाब हम बाद में जरूर देंगे, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे आप लोगों को लेटर के जरिए। तो सर बहुत बहुत आभार है आपका कि सर आपने समय निकाला, एंड वेलकम सर। थैंक यू नेहा और पूरे मंत्रा टीम को, सौरभ को, और स्पेशली डॉक्टर अर्चना एसीआरटी दीक्षा कोऑर्डिनेटर हैं, साथ में अभिषेक ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और बताया किस तरह से दीक्षा की उपयोगिता है। और पहली बार मुझे भी बहुत सारी चीज़ें दीक्षा के बारे में जानने को मिला, तो इसके लिए थैंक्स अर्चना जी और अभिषेक को। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए सभी जिलों से डीओ डीपीओ बीओ सभी शिक्षकगण, सभी बीआरपी सीआरसी, सभी हेड टीचर्स, स्टूडेंट्स, यूथ, सबको मेरा सबसे पहले नमस्कार। यह YouTube सेशन इसलिए रखा गया है क्योंकि आप सब जानते हैं कि पिछली बार वर्ष हम लोग कोविड में थे, इस बार भी हैं, और न जाने कब तक स्कूल बंद रहेगा, और ऐसे में जो ई लर्निंग लॉस हो रहा है उसको किस तरह से हम लोग मेंटेन करें। और सबको आपको पता है कि कोविड 19 के चलते जो है एक मेंटली हेल्थ जो है वो भी प्रभावित हो रहा है कि हमें मानसिक रूप से किस तरह से मजबूत होना है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर हम लर्निंग पे ध्यान देना शुरू करेंगे तो हमारी जो मेंटल कंडीशन है ऑटोमेटिक जो है पॉजिटिव मूड की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि जब तक हमारा मन जो है खाली रहता है तभी तक जो है वो शैतानियां करता है, यानी कि हम लोग निगेटिविटी या न्यूज के चीज़ों में फंस जाते हैं। सबसे बड़ी चिंता है कि पूरे बिहार में 2.25 करोड़ ऐसे हमारे बच्चे हैं जो हमारे शिक्षकों और हमारे भरोसे पढ़ाई कर रहे थे और उनकी जो है लर्निंग लॉस हो रही है। यह संख्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि 2.25 करोड़ बच्चों को किस तरह से हम शिक्षा पहुंचाए, और इसमें जो है दीक्षा प्लेटफॉर्म जो है बहुत ही उपयोगी है। इससे हम लोगों ने चर्चा की मंत्रा के साथ और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि एससीईआरटी टीम के साथ मिलकर हम लोग दीक्षा को आगे बढ़ाए और उसके द्वारा सभी स्टूडेंट तक जो ई लर्निंग कंटेंट्स है उसको पहुँचाए। लगभग जो है हमने देखा 3000 लर्निंग कंटेंट्स जो है, जिसमें कि वीडियो ऑडियो सभी उसमें कंटेंट्स है जो कि हमारे पास तैयार है, और एसीईआरटी के पास 80 के आसपास स्कॉलर्स हैं जो दिन रात लगे रहते हैं वो कंटेंट्स को तैयार करने में। और चूंकि मैं एमडी बिहार टेक्स्ट बुक ही हूँ, तो इस बार भी और पिछली बार भी हमने क्यूआर कोड के आधार पर बहुत सारी क्लासेज की बुक्स जो है पब्लिश की थी, और क्यूआर कोड का कितना इंपॉर्टेंस है वो अभिषेक जी ने बताया कि हम मोबाइल से उसको स्कैन करके उसके वीडियो और दूसरे जो ई कंटेंट्स है उसको हम देख सकते हैं। तो ये केवल छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि जो टीचर्स हमारे हैं उनके लिए भी उपयोगी है। आप सब जानते हैं कि अगर हम अपने ज्ञान को कंटिन्यू जो है वो बढ़ाते नहीं रहेंगे, अपने अपडेशन नहीं करेंगे, तो हमारी ज्ञान जो है वो अधूरी रहती है,
और कहा भी जाता है कि व्यक्ति जो है मृत्यु के शैया तक जाने से पहले तक सीखता रहता है, तो शिक्षकों को भी सीखना है ताकि वो अपडेट तो रहे, पूरे वर्ल्ड में क्या कुछ हो रहा है वो तो जाने ही, छात्रों तक भी हमें जो है वर्तमान परिदृश्य में क्या क्या चीजें डेवलपमेंट हुई है उससे हमको रूबरू कराना है। साथ ही क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में ई लर्निंग बहुत तेजी के साथ बढ़ा है, बहुत सारे इसमें प्राइवेट पार्टनर्स आ गए हैं, आप टीवी पे भी देखते होंगे ऐड, बहुत सारे ऐसी जो है सो एजेंसी आई है, ऐसे कंपनी आई है जो डेवलप किया है, और उसमें अगर हम अपने जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं उनके लिए अगर कुछ ना कर पाए तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है सो बैक हो सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं। और ये बहुत सारे बच्चे हैं जो बच्चे बहुत ही रिमोट एरिया से आते हैं, कमजोर हैं, गरीब हैं, उन बच्चों को हम कैसे पहुंचाएं। तो कई चीजें जो है आपने देखा होगा कि हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय इस योजना से चल रही है, बीपी के द्वारा प्रयास किया गया है, ई लॉट्स बनाए गए हैं जिसमें कि सभी कंटेंट्स है, एससीईआरटी के द्वारा कंटेंट्स दिए गए हैं, दीक्षा ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है उसमें जो है अपलोड किए गए हैं बहुत सारे कंटेंट्स, हमने जो फिजिकली बुक भेजा है उसमें भी जो कंटेंट्स दिए गए हैं, तो बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिससे कि हम लोग बच्चों तक शिक्षा पहुंचा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन फिर वही आता है कि शिक्षक बच्चों के साथ कैसे जुड़े। एलिमेंट्री क्लास में अगर हम देखें क्लास 1 से 8 तक तो उसमें 6 से लेकर हम 8 क्लास तक के बच्चों को तो समझा सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी बच्चे होते हैं क्लास 1 से लेकर 4-5 तक के बच्चे उनको गजट से या फिर ई लर्निंग के द्वारा समझाना थोड़ा टफ होगा। बट आप देखेंगे कि प्राइवेट स्कूल्स में जो उनके पेरेंट्स अवेयर हैं वो कोशिश करते हैं उनको सिखाने और समझाने और पढ़ाने की। लेकिन हम लोग का प्रयास यह होगा कि हम लोग एक विभाग के तौर पे काम कर रहे हैं और यह केवल प्राइमरी का सेक्शन नहीं है बल्कि दीक्षा के लिए हम लोग पूरी की पूरी जो है क्लास 1 से लेकर 12 क्लास तक के लिए प्रयास कर रहे हैं, और आने वाले सेशंस में सभी के सभी जो दूसरे विभाग के अधिकारी हैं वो जुड़ेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से हम लोग आगे जाएंगे। लेकिन यह YouTube सेशन का एक उद्देश्य यह भी था कि प्राइमरी लेवल पे आपको बताया जाए कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है जिसका हमें उपयोग करना है। बहुत सारे शिक्षक हैं जिन्होंने अभी तक ये कंटेंट देखे भी नहीं होंगे जिसमें क्या क्या दिया गया है। अब यह कह सकते हैं कि एटलीस्ट गाँव में रिमोट में जो बच्चे हैं उनके पास तो गैजेट मोबाइल स्मार्टफोन कम है। एक सर्वे है कि 40% बच्चों के पास वो भी क्लास 7-8 के बाद जो उनके घर में स्मार्टफोन्स है, तो उसका हम लोग उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो यह कर सकते हैं कि आप यह भी देख सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स के जो गैजेट्स हैं या फिर मोबाइल है उसका उपयोग हो रहा है। तो हम लोग जो टीचर्स हैं जो हमारे हेड मास्टर हैं ये स्कूल्स के, वो बच्चों का एक यूट्यूब या व्हाट्सएप ग्रुप कम से कम बनाए जिसमें कि ई कंटेंट्स वगैरह का लिंक वगैरह वो दीक्षा से या दूसरे जो हमारे ऐप है ई लॉट से लेकर उनको कंटेंट्स अगर भेजते भी रहते हैं उनके पेरेंट्स का मोबाइल को भी ऐड कर लेते हैं, तो बच्चों तक हम लोग कोशिश करेंगे कि पहुंचाए। हाँ, ये हो सकता है कि हम लोग पूरी तरह से पहुंचाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। अगर हम देखेंगे कि दूरदर्शन के माध्यम से पहुंचा रहे हैं तो दूरदर्शन की भी पहुंच कितनी होती है और दूरदर्शन कितने लोग देखते हैं, तो हमें जो है अलग अलग, जैसा कि सौरभ ने बताया था शुरू में ही कि हम लोग अलग अलग पाथ अलग अलग रास्ते को पकड़ के बच्चों तक हमें पहुंचाना पड़ेगा। अब फिजिकली पहुंचना है तो उसमें हम लोग टोला सेवक तालीमी मरकज भी आज हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सारे जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, उनसे भी मेरा आग्रह होगा कि वो लोग भी प्रयास करें। फिजिकली तो वो नहीं पहुंच सकते, टीचर को अभी कहीं भी मूव करने की मनाही है, पता है कि अब टीचर नहीं जा सकते हैं, घर होम विजिट करेंगे और कितने बच्चों के यहाँ होम विजिट करेंगे, लेकिन जहाँ भी टीचर्स हैं वो अपने अपने क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग के तौर पे उनको कुछ ना कुछ पढ़ाने और सिखाने की कोशिश करते रहें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ज्ञान को जितना बांटा जाएगा उतना ज़्यादा हमारा ज्ञानवर्धन होते जाता है। और ये भी जानते हैं कि कोई पुराना अगर औजार है उसको रख देंगे तो जंग लग जाएगा, इसलिए शिक्षकों से भी मेरा निवेदन है कि आप अपने नॉलेज को बढ़ाएं और नॉलेज को बढ़ाने के साथ ही छात्रों के ऊपर फोकस करें, क्योंकि जैसा कुम्हार होगा वैसा ही घड़ा बनता है, जैसे शिक्षक होंगे वैसे ही वहाँ के छात्र होंगे। और ऐसे बहुत सारे स्कूल के हेडमास्टर वहाँ के टीचरों ने हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 10 से ज़्यादा मॉडल स्कूल डेवलप किया है, जिसको देख के हम लोगों को प्राउड होता है कि उन्होंने अपने प्रयास से बहुत अच्छे अच्छे स्कूल को डेवलप किया है। तो उनको मेरा सैल्यूट तो है ही, लेकिन साथ में मैं बाकी लोगों से भी कहूँगा कि वो उस तरह के प्रयास करें कि उस तरह से और भी स्कूल जो है वो डेवलप होने चाहिए। और हम लोग दीक्षा प्लेटफॉर्म के द्वारा जो है 5 तक की तारीख आपको पता है, जो लोग भी दीक्षा ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं कर लें,
दिक्कत होगी अभिषेक जी को कॉल करिए, आप अपडेट कर लीजिए पूरा का पूरा, ताकि जो है आगे की जो हम लोग कोर्सेस चलाने वाले हैं वो आपको उसमें जुड़ सके। 4 लाख से अधिक शिक्षक है और सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है, यह केवल प्राइमरी के लिए नहीं बल्कि सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। 4 लाख से अधिक शिक्षक हैं, सभी को इससे जुड़ना है और सभी को इसमें इस COVID-19 के समय में हमें अपना लर्निंग जो है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है उसको बढ़ाना है, उसको आउटपुट जो है वो दिखनी चाहिए और बच्चों तक खासतौर से जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं एंड ऑफ द कंज्यूमर जिसको कहते हैं कि बच्चों तक स्टूडेंट तक हमें अपनी चीज़ों को पहुंचाना है और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए हमें प्रयास करना है कि जो भी यंग कोई भी युवक या युवती गांव में है जो गांव में रहते हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट की मैं करना चाहूँगा कि वो बच्चों को पढ़ाए, जब भी उनको टाइम मिले एक एडू लीडर के रूप में वह काम करे ताकि उस एरिया के बच्चे जो गरीब हैं उनको हम लोग प्रॉपर एजुकेशन दे सके। और आप सब जानते हैं कि शिक्षक ही जो है वो राष्ट्र निर्माता है, अगर टीचर बिल्कुल पूरी मेहनत से पढ़ाना शुरू करेंगे तो उनके ही पढ़ाए हुए बच्चे जो है वो बड़े बड़े मुकाम हासिल करेंगे, साइंटिस्ट, डॉक्टर, IAS, IPS, जो भी उस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं। एक अच्छा नागरिक बनाना आपका ही कर्तव्य होता है, इसी सभी शिक्षकों से मेरा निवेदन है कि वो इस हमारा जो कोविड के टाइम में ई लर्निंग का हमने जो स्टार्ट किया है मुहिम उसको सफल तो बनाए ही, इसमें ACERT की टीम हमारे साथ होगी ही, हमारे सेकेंडरी डायरेक्टर साथ होंगे, ACS सर होंगे, सभी हमारे जो अधिकारी है साथ होंगे ही, DO DPO भी हमारे साथ अभी है, सभी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हमारे साथ है जो कि ग्रुप बनाए हुए हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप कम से कम जो है छात्रों का स्कूल के द्वारा, DO द्वारा सभी स्कूल्स का क्लस्टर के द्वारा, और उसके बाद स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सभी BO का एक ग्रुप होना चाहिए, BRP और CRC का, ताकि वो हम जो है जो भी मैसेज या कुछ भी कंटेंट भेजे वो बिल्कुल स्टूडेंट तक पहुंचे। और एक्टिव जो है हम लोग को होना पड़ेगा, जिनको भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही हुई टेक्नोलॉजी की या AI लर्निंग को लेकर, तो उनको भी थोड़ा बहुत सीखना चाहिए, जो हमारे पुराने टीचर हैं जिन्होंने गैजेट बहुत बाद में इंट्रोड्यूस उनके सामने हुआ है, तो उनको भी देखना सीखना चाहिए। और अभी आपने देखा होगा पटना जिले में DO के द्वारा जो प्रयास किया गया उसमें आप देखेंगे कि पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, एक ग्रुप बनाया जा रहा है, आप इजिली जो है जूम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने बच्चों को जोड़कर वहां पढ़ा सकते हैं। तो ये सब प्रयास आप करके अपनी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो तो आप अच्छा करें ही, बच्चों को कम से कम जो है पढ़ाना शुरू करें, उनके पेरेंट्स के पास एटलीस्ट जो है स्मार्टफोन है जहां आप उसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे कि जब भी एक मजदूर भी अगर कहीं काम करता होता है तो उनके पास ऐसा मोबाइल जरूर होता है जिसमें कि वो गाना सुनते होते हैं या वीडियो देखते हुए होते हैं। मैं कई बार जब गुजरता हूँ कई रास्तों से तो मैं देखता हूँ, इसका मतलब है कि एटलीस्ट जो है अभी स्मार्टफोन जो है ऑलमोस्ट लोगों के पास जो है वो पहुंच रही है, हो सकता 100% तो नहीं है लेकिन कम से कम 80-90% लोगों के पास है, यानी कि उनके बच्चे को पास अगर पहुंचाना है उनके पास तक हमें कंटेंट पहुंचाना पड़ेगा और उनसे आग्रह करना पड़ेगा कि बच्चों को जरूर दिखाए। तो ये एक प्रोसेस हम लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन हाँ समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ हम लोग प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से इसका रिजल्ट आएगा। एक टीम के तौर पे हम सभी काम करेंगे, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि वो टीम मंत्रा तो काम करेगी ही लेकिन अपने अपने इनोवेटिव आइडियाज जो है वो भी हमें शेयर करें, ताकि अगर उन आपके इनोवेटिव आइडियाज हमें अच्छे लगेंगे तो हम स्टेट लेवल पे या अपने लेवल पे हम आपको पुरस्कृत करने का भी काम करेंगे। और जब भी राष्ट्रपति अवार्ड स्टेट अवार्ड के लिए हमारा होता है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि इनोवेशन कितने हुए हैं, किस तरह से किए हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं बहुत अच्छे अच्छे फार्मूला बनाए हैं, मैथ के अच्छे फार्मूले बनाए हैं, कोई भी सब्जेक्ट के ऐसे ऐसे फार्मूले बनाए हैं ताकि बच्चों को याद करने में आसानी होता है, और उन्होंने अपने ही प्रयास से ऐसे बहुत सारे बुक लिखे हैं, बुक बनाए हैं, नोटबुक के तौर पर उनके पास है। तो ये सब जो है आप शेयर करिए, अगर किसी के पास ऐसे फॉर्मूलाज वाइज अगर बिल्कुल व्यवस्थित तौर पे अगर आपके पास है तो, क्योंकि मैं MD बिहार टेक्स्ट बुक हूँ तो आप मेरे पास लाइएगा, उस पर भी पब्लिकेशन अलग से कराने का भी प्रयास मेरी ओर से होगा, और वो कहीं ना कहीं जो है ACERT में भी आप देंगे तो वहाँ पे अर्चना जी हैं, अभिषेक जी हैं, उसको देखेंगे फिल्टर करके और फिर आपके नाम के साथ उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बस सजेशन हमेशा आमंत्रित रहेगा, आपके जो है हजारों कमेंट्स आए हैं उस कमेंट्स को हम कंपाइल करेंगे, उसमें से जो भी हमें लगेगा क्योंकि एक तरह के ही क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग उसको कंपाइल करके और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे किस तरह से हम लोग आगे करेंगे। और ये यूट्यूब लाइव सेशन जो है कंटिन्यू चलता रहेगा,
और आगे भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे, आपके सारे सजेशन जो भी आएंगे उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे जो कि एक्सेप्टेबल होगा और उसके आधार पे हम लोग काम करेंगे। तो आज के इस यूट्यूब सेशन में इतने उम्दा आयोजन के लिए और आप लोगों की 70,000 की संख्या में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करूंगा कि आने वाले सेशन में जो हमारे 400,000 टीचर हैं सभी के सभी जुड़े और सभी तक ये मैसेज जो है पहुंचना चाहिए, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस पे हुआ था तो सभी तक ये मैसेज पहुंचे, एटलीस्ट लिंक पहुंचे, ताकि जो आज का दीक्षा का प्रेजेंटेशन सहित हम लोग क्या करने जा रहे हैं कोरोना काल में वह उन तक पहुंचना बहुत ही जरूरी है, ताकि यह बेसिक जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है वह जब समझेंगे तभी हम आगे के सेशन को प्रॉपरली आगे बढ़ा पाएंगे। तो सभी को धन्यवाद, खासतौर से जो बहुत दूर दराज में हमारे जो शिक्षक हैं इस कोविड के टाइम में एक फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में काम तो कर ही रहे हैं और वो अपने घर में गांव में जहां भी है वहां से हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार है। साथ ही एससीईआरटी की तरफ से डॉक्टर अर्चना जी, अभिषेक जी को जिन्होंने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन किया और पूरे आयोजन को एक अमली जहाँ पहनाने के लिए सौरभ और नेहा मंत्रा टीम की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आपने जिस तरह से बहुत इम्पोर्टेंट एक बात बोला, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि हमारा समय हो गया, बट आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात सर आपने बोला कि अभी हम लोग जितना भी खाली बैठे हैं मेंटल कंडीशन भी वैसी होती जा रही है, तो ये समय है ऐसा कि हम पहल शुरू करें और ये हम सबके ऊपर लागू होता है कि हम रुके नहीं। समय कठिन है मगर थोड़ा सा प्रयास कहीं ना कहीं कठिनाइयों को दूर करता है। तो ये बहुत ही सुंदर बात सर आपने बोली और उसके साथ साथ बहुत सारे एक्शनेबल पे भी आपने बात किया कि हम कैसे बच्चों तक पहुंचे, तो अलग अलग लेवल पे हम ग्रुप्स बनाएं, जिन भी बच्चों के पेरेंट्स के पास नंबर है कोशिश करें कि स्कूल के प्रिंसिपल टीचर्स उन पेरेंट्स का नंबर निकालें और व्हाट्सएप ग्रुप को बनाएं। क्योंकि जो सौरभ ने प्रेजेंटेशन तैयार किया तो उसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि हम परस्पर संवाद करें। संवाद तब होगा जब प्लेटफॉर्म होगा, प्लेटफॉर्म तब होगा जब हम कोशिश करेंगे। तो ये प्लेटफॉर्म कोई एक नहीं तैयार करेगा, हमें सबको मिलकर के ही वो प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बीओ जितने भी हमारे ब्लॉक ऑफिसर्स जुड़े हैं अलग अलग कोशिश करके कोशिश करें कि है ना हम अपने बच्चों तक पहुंच पाए। जिन भी बच्चों के पास मोबाइल फोन है, एंड्रॉइड फोन है, उनके माता पिता अगर जुड़ सकते हैं तो क्या पता हम लोग आगे आने वाले दिनों में YouTube लाइव में बच्चों के साथ भी उनको भी उत्साहवर्धन के लिए उनके साथ भी जुड़ने का प्रयास करें। तो ये कुछ मेजर चीजें थी। और सर इसके साथ साथ जो आपने फोकस किया कि हम ऐसे भी लोगों को आमंत्रित करना चाहते हैं, उनके विचारों को, उनके इनोवेशन को आमंत्रित करना चाहते, वो साझा करें ताकि हम आने वाले दिनों में जितने भी YouTube लाइव करेंगे उनको भी मौका मिलेगा कि अपने इनोवेटिव प्रयासों को यहाँ पे साझा करें सभी लोगों के साथ और उत्साहित हों। उन वो जितने उत्साहित होंगे अपने इनिशिएटिव्स को लेकर के उतने ही उत्साहित के उत्साह के साथ जितने लोग देख रहे हैं वो शायद इम्प्लीमेंट कर पाए। क्योंकि प्रॉब्लम सबके पास है, प्रॉब्लम सबके पास है, सोल्यूशन कहीं ना कहीं हमें सबको मिल करके निकालना है, मिलकर के आगे बढ़ना है ताकि हमारा बच्चा सीख सके। और इसी आशा के साथ कि हम लोग आगे भी इसी तरह मिलते रहेंगे, हम इस प्लेटफॉर्म को YouTube लाइव के प्लेटफॉर्म को और रोचक बनाने का प्रयास करेंगे और सबको मौका मिले अपनी बातों को रखने का, अपनी बातों को साझा करने का और एक दूसरे से सीखने का। तो हर कोई कुछ ना कुछ लेकर के आया, किसी ना किसी नॉलेज के साथ है, तो क्यों ना इस प्लेटफॉर्म को हम लेवरेज करें। और सिर्फ इस प्लेटफॉर्म को नहीं, आप भी अपने स्तर पे अलग अलग लेवल पे ऐसे अपॉर्चुनिटीज, ऐसे कार्यक्रम कर सकते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप पे जैसे सर आपने बताया जूम कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं बच्चों के साथ, या फिर आप भी यूट्यूब लाइव के जरिए अपने बच्चों के साथ क्लस्टर अगर ऑफिसर्स हैं वो स्कूल के टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ जुड़ सकते हैं, ब्लॉक ऑफिसर्स जुड़ सकते हैं। और ये अगर हो जाता है तो राज्य के लिए ये इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा होगा और कहीं ना कहीं हम परस्पर संवाद करके धीरे धीरे वो छोटे छोटे स्टेप्स लेकर कहीं ना कहीं हम माइलस्टोन को तय करते जाएंगे। तो इसी आशा के साथ मैं आप सभी का यहाँ पे जुड़े रंजीत सर जिनके वजह से ये YouTube लाइव होता आ रहा है और आगे भी हम उनके मार्गदर्शन में ही काम करेंगे, और लास्ट मोमेंट पे पता चलने के बाद भी अर्चना मैम जुड़ी और बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी बात को रखा कि दीक्षा पे क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या चीजें चल रही हैं। अभिषेक जी जिनके साथ हमेशा हम लोग मिलकर के को क्रिएट कर रहे हैं बहुत सारी चीजें, और हम और भी लोगों को वेलकम करना चाहेंगे जो इस काम में जुड़ना चाहते हैं। और यहाँ पे जुड़े जितने भी लोग हैं, चाहे टीचर्स हों, डीओ हों, पीओ हों,
जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं तहे दिल से आप सभी का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि समय तो बढ़ गया मगर आप लोगों का जो धैर्य है वो खत्म नहीं हुआ, अभी तक हम लोग जुड़े रहे, तो बहुत बहुत धन्यवाद नेहा। मैं इसी शब्द के साथ आज की YouTube लाइव को एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपके घर में सभी स्वस्थ हों, आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि घड़ी बहुत मुश्किल है हर किसी के साथ, तो साथ में मिलकर के हम परिवार को भी आगे सुरक्षित रख पाए, खुद को भी सुरक्षित रखें, तभी हम शायद हम अपने बच्चों जो स्कूल में बच्चे आते हैं उन तक पहुंच पाएंगे। तो इसी शब्द के साथ मैं विराम देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। Thank you.